केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 50 लाख के पार पहुंच गई है। इतना ही नहीं, मंत्रालय की माने तो देश में 10 लाख रिकवरी बीते महज 11 दिनों में हुई है। जारी किए गए सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 82.46% है, जबकि मृत्यु दर 1.58% है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 9,56,402 मरीजों का इलाज जारी है और यह कुल मामलों का 15.96% है। वहीं देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 60 लाख के पार पहुंच गई है, लेकिन रिकवरी में लगातार आ रहे सुधार से एजेंसियों और मरीजों का हौसला बढ़ा है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार आज अनलॉक 5 के लिए गाइडलाइंस का ऐलान कर सकती है। इससे पहले अनलॉक 4 में सरकार कई तरह की रियायतें दे चुकी है। अनलॉक 5 में आगामी 31 अक्टूबर तक के लिए गाइडलाइंस बताई जा सकती हैं। जाहिर है ये काफी अहम होगा, क्योंकि अक्टूबर से ही देश में त्योहारों का मौसम भी शुरू हो जाएगा। कारोबार जगत इससे सबसे ज्यादा उम्मीद लगाए बैठा है, क्योंकि उसे लगता है कि त्योहार के दिनों में उपभोक्ताओं की तरफ से मांग में बढ़ोतरी होगी, लिहाजा ज्यादा छूटें दी जा सकती हैं। वैसे अब तक कई तरह की रियायतें दिए जाने के बावजूद सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क नहीं खुले हैं। मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से कई बार गुजारिश की जा चुकी है। केंद्र सरकार ने अब वाहन चालकों को बड़ी राहत दी है, जिसके मुताबिक 1 अक्टूबर से वाहन चालकों को ड्राइविंग लाइसेंस, RC, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जैसे कागजातों को रखने की जरूरत नहीं होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक इन सभी दस्तावेजों का रखरखाव और ई चालान IT पोर्टल पर होंगे। ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से कहा गया है कि वे चालकों से ये दस्तावेज न मांगे। इसकी जगह पर एक सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है, जिसके जरिए ट्रैफिक पुलिसकर्मी या अधिकारी को गाड़ी का नंबर अपनी मशीन में डालकर खुद ही सारे कागजातों की जांच करनी होगी। एक्ट के मुताबिक किसी पुलिसकर्मी के पास जांच उपकरण नहीं है तो वह स्मार्टफोन पर सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर वाहन के कागज की जांच कर सकेंगे। विपक्ष के विरोध और किसानों के प्रदर्शन के बीच रविवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीनों किसान बिलों पर हस्ताक्षर कर दिए। इसी के साथ ये विधेयक अब कानून बन गए हैं। बता दें कि दोनों सदनों से विधेयकों के पारित होने के बाद भी विपक्षी दल और किसान राष्ट्रपति से इन पर हस्ताक्षर न करने की लगातार मांग कर रहे थे। यहां तक कि बिल के विरोध में BJP की सबसे पुरानी सहयोगी शिरोमणि अकाली दल ने भी सरकार का साथ छोड़ दिया, NDA से भी खुद को बाहर कर लिया। देश के कई हिस्सों में किसान सड़कों पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन चल ही रहा है, लेकिन कोई अपील और विरोध प्रदर्शन काम नहीं आया और राष्ट्रपति ने भी तीनों बिलों को अपनी मंजूरी दे दी। अब सरकार जल्द से जल्द किसानों से जुड़े इन कानूनों को लागू करने की तैयारी में है। नए कृषि विधेयकों को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद अब पंजाब की कांग्रेस सरकार ने राज्य स्तर पर इनमें तब्दीली करने की तरफ इशारा किया है। राज्य के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए उनकी सरकार इन कानूनों को लेकर कानून और कृषि विशेषज्ञों से राय मशवरा कर रही है। कैप्टन बोले कि किसानों को बचाने के लिए अगर राज्य सरकार में संशोधन करना पड़ा तो वो इससे पीछे नहीं हटेंगे। कांग्रेसी CM ने कहा कि विधेयकों को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है और वो खुद किसानों के साथ मिलकर इन कानूनों के विरोध में उतरेंगे। बिहार में CM नीतीश कुमार ने अपनी सरकार में मंत्री अशोक चौधरी को JDU का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। अनुसूचित जाति से आने वाले चौधरी की इस नियुक्ति को विशुद्ध रूप से विधानसभा चुनाव से जोड़ा जा रहा है। दरअसल श्याम रजक के पाला बदलने के बाद JDU को जातिगत समीकरण बिगड़ने का अंदेशा है और इसी स्थिति को संभालने के लिए अशोक चौधरी को आगे किया गया है। कांग्रेस छोड़कर JDU सरकार में मंत्री बने चौधरी बिहार में दलितों के बड़े नेता हैं, लेकिन कांग्रेस में रहते हुए वो इस वर्ग के वोटों को खींचने में नाकाम रहे थे। अब देखना होगा कि सत्ताधारी दल का साथ पाने के बाद चौधरी अपने नेता के इस दाव को कितना सफल बनाते हैं। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के एक के बाद एक कई चुनावी लॉलीपॉप के बाद अब RJD नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी चुनावी पासा फेंका है। तेजस्वी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगर उनकी सरकार बिहार में बनी तो अपनी पहली कैबिनेट में पहली कलम से वो बिहार के 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। उन्होंने बताया कि बिहार में 4,50,000 रिक्तियां पहले से ही हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, गृह समेत अन्य विभागों में राष्ट्रीय औसत के मानकों के हिसाब से बिहार में अभी 5.5 लाख नियुक्तियों की अत्यंत आवश्यकता है।
तेजस्वी लगातार रोजगार के मुद्दे पर नीतीश और मोदी सरकार को घेरते रहे हैं। उन्होंने बताया कि बिहार में फिलहाल कम से कम 1.25 लाख डॉक्टरों, 50,000 पुलिसकर्मियों, 75,000 इंजीनियर्स की पोस्ट खाली हैं। इसके अलावा 3 लाख शिक्षकों की भी और जरूरत है। आपको बता दें कि आरजेडी ने 5 सितंबर को बेरोजगारी हटाओ पोर्टल भी लॉन्च किया है। मोदी सरकार इस साल के अंत तक चारों लेबर रिफॉर्म बिल को लागू करने की तैयारी में है। हाल के मॉनसून सत्र में 3 लेबर बिल पारित हुए हैं, जबकि चौथा पिछले साल ही संसद में पास हुआ था। अब सरकार इन चारों लेबर बिल को जल्द से जल्द कानून की शक्ल देकर दिसंबर तक लागू करना चाहती है। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इन लेबर कोड्स को लागू करने से श्रम क्षेत्र में सुधारों का अंतिम चरण पूरा होगा। श्रम मंत्रालय का कहना है कि इन चारों लेबर रिफॉर्म्स को लागू कर विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत को टॉप 10 में लाने में मदद मिलेगी। राफेल विमानों का दूसरा जत्था अगले महीने भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस की तरफ से 5 और विमान तैयार कर लिए गए हैं और ये अक्टूबर महीने में भारत आ जाएंगे। रिपोर्ट्स की माने तो इन 5 विमानों को पश्चिम बंगाल में कलईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात किया जाएगा और यहाँ इन पर चीन से लगती सीमा की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी होगी। इससे पहले 10 सितंबर को राफेल औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन गया था। राफेल के पहले बैच में भी 5 विमान थे जिन्हें हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर तैनात किया गया है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या अब 10 लाख के पार हो गई है। वेबसाइट वर्ल्डोमीटर के मुताबिक अब दुनिया में करीब 3,33,00,000 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। वैसे पूरी दुनिया में 76 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं, यानी कि फिलहाल इतने लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वैसे 2,46,00,000 से ज्यादा लोग इस बीमारी को मात देने में भी सफल रहे हैं। मरीजों के ठीक होने का प्रतिशत 74% से ज्यादा है। गौर करने वाली बात यह भी है कि अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों में कोरोना मामले और मौत के आंकड़ों में कमी आई है। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां कोरोना महामारी सबसे तेजी से बढ़ रही है। दुनिया में कोरोना मामलों में नंबर 2 स्थान पर पहुंच चुके भारत में हर दिन सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। वैसे दुनिया में 24 देशों में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2 लाख के पार पहुंच चुकी है। इनमें ईरान, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, इटली, जर्मनी और बांग्लादेश भी शामिल है। दुनिया में 60% लोगों की जान सिर्फ 6 देशों में ही गई है। ये देश है अमेरिका, ब्राजील, मेक्सिको, भारत, ब्रिटेन, इटली।